और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मोहन यादव वर्चुअली माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर हितग्राही मूलक योजनाओं के शिविर का भी शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम को विधायक मोहन राठौड़ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न पंचायतों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में पहुंचेंगे। इनमें से अधिकतर छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे, और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, भारत संकल्प यात्रा आज प्रारंभ हुई है। वो पूरे जिले की सभी पंचायतों में, नगर निगम, नगर पालिकाएं, जनपद क्षेत्र, सभी में जो वंचित रह गए योजनाओं से उनमें पहुंचेगी। और मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी है वो अपने आप में सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मोदी जी की अपनी गारंटी है, वो सबके बीच में रहेंगे, तो निश्चित ही इसका बहुत लाभ होने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरों में, निकायों में, सभी जगह।